कि प्यार करने वालों को नाम, कास्ट, धर्म, ये सारी चीजें कभी रोक नहीं सकते। प्यार करने वालों का काम होता है प्यार करना, वो हमेशा प्यार करते हैं। आज जो दो लोग हैं एक दूसरे से प्यार करने वाले, उन्हें उनका नाम, धर्म या कास्ट नहीं रोकती, उन्हें सरहदें रोकती। भाई खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। तब्बू ने बनाया है आज। और हमारी तब्बू के अलावा कौन इतना लजीज खाना बना सकता है? तो अब वक्त आ गया है कि असलम मियां की बातों पर गौर किया जाए। अम्मी, असलम चाहते हैं कि उनके बेटे और हमारी बेटी तबस्सुम का निकाह हो जाए। अब्बू, हमने आपसे कितनी बार कहा है हम अभी निकाह नहीं करना चाहते। अरे, हम काम करना चाहते हैं अब्बू। जो इतनी सारी पढ़ाई की है उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। और वैसे भी हम अभी सिर्फ 22 साल के हैं। अब्बू, इतनी जल्दी कौन शादी करता है? लेकिन बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जो मेरी बच्ची ने कहा बिल्कुल ठीक, चुपचाप खाना खाओ। मेरी बच्ची बहुत प्यारी है। दादी, हमें ना जॉब ऑफर आई है हमारी ड्रीम कंपनी से। हाँ, BNB इंजीनियरिंग। दादी, बहुत बड़ी कंपनी है। नसीब से, किस्मत से, मेहनत से यहाँ नौकरी मिलती है। हमारा सिलेक्शन हुआ है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी परी का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तो बस सुनाइए मेरी फेवरेट वाली कहानी। या अल्लाह, कितनी बार सुनेगी वही कहानी। हाँ, नुसरत और फिरदौस की कहानी से मैं कभी नहीं थकती। दादी, मुझे ना नुसरत के बारे में सुनने में बहुत मजा आता है। बहुत शरारती थी ना वो? हाँ, थी तो वो। कहने को तो हम सहेलियां थे, लेकिन सगी बहनों से बढ़कर थे। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। कई बार तो स्कूल से भागकर बाजार जाते थे और छुप छुप कर चूड़ियां पहनते थे। अब तो वो सारी बातें इसे गुजरा हुआ जमाना लगती है। तो फिर आप अलग कैसे हुए? अरे झल्ली, कितने बार बता चुके हैं तुझे। जब पार्टीशन हुआ ना, हमारे अब्बू हमें यहाँ हिंदुस्तान ले आए। हाँ, नुसरत के अब्बू लाहौर में ही रह गए। फिर बाद में पता चला कि उसका निकाह होने वाला है। हम वहां बहुत जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। दादी, उनका निकाह किससे हुआ, आप जानते थे उसे? जानते तो नहीं, लेकिन सुना है किसी अमान साहब के साथ उसका निकाह हुआ। उनका बहुत बड़ा मिठाई बनाने का कारोबार है। पता नहीं चला कि उसके बच्चे कितने हैं। वो दादी बन गई, परदादी बन गई, कुछ नहीं पता चला उसका। हेलो। हेलो जी। जी सलाम अलैकुम, हम इंडिया से कॉल कर रहे हैं। हमारा नाम तबस्सुम है। हम आपसे पूछना चाहते थे, आपको फिरदौस याद है? आप बाजार जाके चोरी चोरी चूड़ियां चुराती थी, याद है? जी, हम इंडिया से फोन कर रहे हैं। हम फिरदौस की पोती बोल रहे हैं। स्वीट है ना? दादी की बातें सुन सुन के तब्बू को ये एहसास होने लगा कि वो नुसरत को कितना मिस करती है। और यही बातें सुन सुन के तब्बू के दिमाग में ये आइडिया आया कि दादी का बर्थडे स्पेशल बनाना चाहिए। सो शी डिड।
में अल्लाह क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे दादी जान। आपके लिए बहुत बड़ा बर्थडे सरप्राइज है। सरप्राइज? यस, जल्दी आइए, चलिए चलिए चलिए। हाँ मैं बताऊंगी, सब पता चल जाएगा अभी, लेकिन अभी बंद, सरप्राइज है ना? आंखें बंद? चलिए सरप्राइज है दादी, बर्थडे आपका। अरे सरप्राइज क्या है बेटा? ओके दादी, रेडी? हाँ। हैप्पी बर्थडे। मैं तो 16 साल की हूँ जो तूने ये सब किया है। चलिए ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रबड़ी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं ख्वाब देख रही हूँ। रबड़ी, तू सच में मेरे सामने? रबड़ी, फिर नहीं। रबड़ी, कैसे? हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये खुशबू आने लगी हल्की हल्की, है ना? अच्छा एक बात तो बताइए, आप दोनों तो एक दूसरे को रबड़ी और फिरनी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बहुत अच्छी रबड़ी बनाते हैं। हाँ। और ये फिरनी बनाते हैं। क्या बात है। और अगर यकीन नहीं हो रहा तो थोड़ी देर में खुद ही चख के देख लेना। वाह भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हमें भी किचन में कुछ काम दीजिए ना। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके लिए तो ये काम ही, लीजिए जल्दी से ये छिलके इनके निकाल के इन्हें पीस लिए बादाम। चलिए और जल्दी दीजिए हमें। ये सब करने की इजाजत हमें तब्बू को देनी ही नहीं चाहिए थी। अनजान लोगों को घर पे मेहमान बनाकर रखा हुआ है आपकी बेटी ने, ना लेना ना देना, खाम खास सर पे बैठा के रखना पड़ेगा इन लोगों को। हाय। हाय। कॉफी? थैंक यू। क्या सुन रहे हैं? आपको म्यूजिक का शौक है? हाँ थोड़ा बहुत, आई मीन पुराने हिंदी गाने, क्लासिक रॉक, लिटिल बिट। अच्छा तो फिर ये सुनिए। वाओ, क्या ये? कैसा लगा? बहुत अच्छा। सूफी म्यूजिक? बिल्कुल हमारे म्यूजिक जैसा। हाँ सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, काफी हद तक हम लोगों का रहना, खाना पीना, भाषा, सब कुछ एक ही जैसी है। कितनी अजीब बात है ना, हम लोग कितना मिलते जुलते हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी अलग है। अपने मुल्क के बारे में कुछ बताइए ना। कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, हमारे वहां भी क्रिकेट के उतने ही दीवाने हैं जितने आपके यहाँ। बस एक चीज हम बहुत मिस करते हैं। क्या? आप लोगों की हिंदी फिल्में हमें बहुत पसंद है। हाँ हमें भी, वैसे हमारी इंडस्ट्री है तो बहुत खूब, और क्रिकेट में तो हम आपसे आगे हैं ही। ऐसी बात भी नहीं है, हमारे प्लेयर्स भी बहुत खास हैं, उनका स्पीड, उनकी टैलेंट और उनकी सोच यहाँ के बहुत ही कम लोगों में है। हाँ हाँ, लेकिन हमारे प्लेयर्स तो खेलते भी अच्छा है और दिखते भी अच्छा है। I mean, think about it. विक्रांत कोहली, आपके प्लेयर्स दिखते हैं इतना अच्छा? लगता है मैडम फयाज आफरीदी को भूल रही हैं।
लगता है दादी आपके पैरों में दर्द हो रहा है। हाँ नहीं मैं दबा, ये तो रोज का है रन, हम मेहमानों से पैर नहीं दबवाते। अच्छा दादी, तो आप हमें पराया समझती हैं, हम तो आपको अपनी दादी समझ के कह रहे थे, आपने मेहमान कह के हमारा दिल तोड़ दिया। अरे नहीं मेरा बच्चा, ऐसी बात दबा दे बस। ये हुई ना अच्छी दादी वाली बात, लाइए मैं दबा। अल्लाह खुश रखे तुझे। देखिए हम आपके लिए ये शलवार कमीज लाए हैं। ये देखिए कैसी है खाला जान, बहुत सुंदर है, पर हम ना हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते, हमें जीन्स सबसे कंफर्टेबल लगती हैं। पर थैंक यू। ये क्या मतलब नहीं पहनते हैं? हम आपके लिए खास पाकिस्तान से लेके आए और इस बार ईद में आप यही पहनेंगे। लीजिए। अरे तुम अपना दिल छोटा मत करो, अरे मेरी तो हसरत रह गई है इस लड़की को कायदे की शलवार कुर्ते में देखने की। दादी जान हम देख रहे हैं जब से खाला जान आई है ना, आप उन्हीं की तरफ हो गई हैं, हमारे खिलाफ हो गई आप, अपनी तबू के खिलाफ। अरे बेटा उनका दिल रखने के लिए पहन ले। दादी जान आप पहन लीजिए ना, बहुत क्यूट लगेंगी। बदमाश कहीं की। शादा इसे पकड़ो तो सही। दादी जान, दादी। तबू के पेरेंट्स के दिमाग में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, नुसरत और शादाब अपनी ट्रिप बहुत एंजॉय कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी सोच लिया था कि उन्हें अपनी ट्रिप एक्सटेंड करनी है, क्योंकि नुसरत और फिरदौस कितने सालों बाद मिले थे और साथ ही साथ तबू और शादाब के बीच की नज़दीकियाँ भी बढ़ रही थी। मियाँ शादाब शायरी सुना रहे थे तबू को और साथ ही साथ अपने दिल की बातें भी। तबू बेटा जाके देखिए चांद निकला है कि नहीं, ताकि हम ईद की तैयारियां शुरू करें। जा बेटे। जा। Sorry. It's okay. आप यहाँ छत पे क्या कर रहे हैं? हम इस सिया रात में चांद और तारों को देख रहे हैं। क्यों? हम देख रहे हैं और सोच रहे हैं, क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसी चीज है जो हमारी प्यार से, हमारे प्यार से ज्यादा हसीन है? आप किसी से मोहब्बत करते? सांसें चुरा कर चलता बना दिलबर, हम यूं ही जीते भी रहे और मरते भी रहे। लौट के आया तो पूछता है कि हमारे इस हाल का सबब क्या है। मौका मिलेगा तो करेंगे अपनी मोहब्बत का ऐलान, खूने जगर से लिखते भी जाएंगे और करते भी जाएंगे। हम कुछ समझे नहीं। अदा है दिलबरों की, जान की भी अनजान रहना। हम तो यूं ही उनके तबस्सुम पर अपनी जान छिड़कते चलते हैं। हमारी बातों में छुपी हुई बात तो आप समझ ही गए हैं तबस्सुम, तो इस तरह से हमसे दूर जाकर हमें क्यों तकलीफ पहुंचा रही है? हाथ छोड़िए हमारा, हमें तो यहाँ सिर्फ चांद देखने भेजा था। चांद ही देखना था तो छत पे आने की क्या जरूरत थी? आईने में अपना चेहरा देख लिया होता।
मुबारक हो। ईद मुबारक। बचपन के बाद आज हम एक साथ ईद मना रहे हैं ना। कितना अच्छा लग रहा है। तेरी पेशानी पे आके सितारा बैठा है शायद। संदली हाथों में चूड़ियां कनकनाई हैं। सुरमे की लकीर तेरी आंखों से होते हैं। सीधा दस्तक देने मेरे दिल तक आई है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तबस्सुम हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और जब तक हमें आपका जवाब नहीं मिल जाता, हम सोएंगे नहीं। हम रात को आपका बरामदे में इंतजार करेंगे। आइएगा जरूर। तबस्सुम बहुत अच्छी लग रही है ना। अरे एकदम हूर लग रही है आज हमारी बेटी। नुसरत भी लाई है पाकिस्तान से हमारी तब्बू के लिए ड्रेस, इसीलिए खास उनके लिए तब्बू ने आज पहनी है। अदा है दिलबरों की जान के भी अनजान रहना, हम तो यूं ही उनके तबस्सुम पर अपनी जान छिड़कते चलते हैं। हम रात को आपका बरामदे में इंतजार करेंगे। आइएगा जरूर। हमको हमारा जवाब मिल गया। आपका यहाँ आना इस बात का गवाह है कि आपको हमारी बात कबूल है। बस एक बार अपनी जबान से भी कह दीजिए, हमको अच्छा लगेगा। हमारे दिल में इतने दिनों से क्या चल रहा था हम समझ ही नहीं पा रहे थे। हर बार आपकी तरफ खींचते जाते थे पर अपने आप को रोक लेते, ये सोच के कि हम कितने अलग हैं, अलग मुल्कों से।
पर आज अपने आप को रोक ही नहीं पाए। अगर आपका ये दावा है कि हमने आपकी सांसें चुराई हैं, तो आप पे भी ये इल्जाम है कि आपने हमारी नींद चुराई। जी जी, हम आपको जल्द से जल्द इत्तला करेंगे। अल्लाह हाफिज। अम्मी, असलम का फोन था, वो अपने बेटे और तब्बू के निकाह को लेकर बात कर रहे थे। अबू, हमने आपसे उस दिन भी कहा था ना, हमें अभी निकाह नहीं करना। आप प्लीज उन्हें ना कह दे। ना कह दे? जी। इतना आसान होता है क्या ये? और रोज रोज ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? अरे अम्मी, आप ही समझाइए इसे, हर बात में इसे मनमानी करने की आदत पड़ गई। तब्बू, आपने अब्बू को हमारे बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? शादाब, ऐसे कैसे हम अब्बू को बता दें कि हम आपसे। देखिए, जब सही वक्त आएगा हम अब्बू को सब बता देंगे, पर अब तक तो अब्बू आपको ठीक से जानते तक नहीं है ना। आपने और खाला जान ने वीज़ा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दी है ना? बस फिर थोड़ा सा वक्त अब्बू के साथ गुजारेंगे ना, तो देखना आप उनका भी दिल जीत लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमारा जीता। तब्बू, अगर आपके अब्बू ने आपकी शादी किसी और से करवा दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। जी, हम नुसरत और शादाब को लेने आए हैं। क्या? हमारे पास ये डेपोटेशन ऑर्डर है। डेपोटेशन? अरे ये कैसे हो सकता है, इन्होंने तो वीजा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दी है। लेकिन वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है क्योंकि इनके स्पॉन्सर मिस्टर इमरान ने एप्लीकेशन पे साइन नहीं किया है। इमरान? अबू, आपने साइन नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि आप दोनों अम्मी की सालगिरह के मौके पर आए थे, ऊपर से हफ्ता दो हफ्ता रह भी चुके हैं। अब अपने घर तशरीफ ले जाइए। अल्लाह हाफिज। कैसी बातें कर रहे इमरान, क्या हो गया तुम्हें? अबू, क्या कह रहे हैं आप? अबू प्लीज। आपको क्या लगा शादाब कि आप हमारे ही घर में हमारी नजरों से बचकर हमारी बेटी के साथ इश्क फरमाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? हमारी बेटी के साथ आपका कभी कोई रिश्ता हमें मंजूर हो ही नहीं सकता। हम नहीं होने देंगे। इंस्पेक्टर साहब,
ले जाइए इन्हें। चलिए। वो प्लीज। इमरान, नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आइए, आइए शराब। क्या बदतमीजी है इमरान, मेहमानों के साथ ऐसे पेश आते? शर्मिंदा आपको होना चाहिए अम्मी, अपनी पोती को आप ऐसे कामों के लिए बढ़ावा दे रही थी, वो भी एक गैर मुल्क के लड़के के साथ। गैर मुल्क क्या लगा के रखा है? ये मत भूलो इमरान कि उसी गैर मुल्क में तुम्हारी अम्मी भी पैदा हुई थी। और क्या लोग अपनी बेटियों की शादी दूसरे गैर मुल्क में नहीं करते? वो करते होंगे अम्मी, पर हम नहीं। बस दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। यही तरबियत दी थी मैंने तुम्हें कि घर आए मेहमान के साथ तुम ऐसे पेश आओ। शर्म आती मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते। बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करके तबू के डैड ने नुसरत और शादाब को अपने घर से निकाला। यूजुअली सैड, उन्हें लगा कि उन्होंने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया और उनका काम हो गया, बट यहीं पे वो गलत थे। वो इस बात को नहीं समझ पाए कि दो प्यार करने वालों को अलग करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये सब होने के बाद भी तबू और शादाब एक दूसरे से अब भी बात कर रहे थे। अच्छा तुम ये बताओ, फिर दोस्त खाला कैसी हैं? दादी जान तो बहुत उदास हैं, आप लोग को बहुत याद करती हैं, खासकर खाला जान को। हमें भी आपकी और बाकी सभी लोगों की बहुत ज़्यादा याद आती है। हमें तो यकीन नहीं आता कि हमारे कुछ भी करने से पहले इतना सब कुछ हो गया। न जाने क्यों हमें आपसे अलग होना पड़ा। चलो जो हो गया सो हो गया, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द साथ होंगे, है ना अबू? तो हमारी बातों का आप पर कोई असर नहीं? हम आपसे पहले भी कह चुके हैं और आज फिर दोहराते हैं कि इस लड़के के साथ हमें आपका कभी कोई रिश्ता मंजूर नहीं होगा, और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही आपके लिए अच्छा है। शादाब में क्या बुराई है? बेटा हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। इस लड़के के साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। अबू हम शादाब से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? तो बेटी हुजूर हमें एक बात और भी बताइए कि आप इस लड़के से मोहब्बत करती हैं, इसकी खातिर अपने वतन को छोड़ने को तैयार हैं, क्या ये लड़का आपकी खातिर ऐसा कर सकता है ऐसा? यहां अच्छी खासी आपकी नौकरी लगी हुई है, इतनी मेहनत की है आपने इसकी खातिर, यह सब आप यूं ही जाया होने दें? और वो क्या आपकी खातिर ऐसा कर सकता है? क्या कर रहा है वो? बेटा हम सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इसलिए जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, उसके बाद जो भी फैसला करना है कीजिए। आप अब भी उस लड़की से बातचीत कर रहे हैं? क्या नाम है उसका? अबू तब्बू, मेरा मतलब है तबस्सुम। जिस बदसलूकी से उन्होंने आपको और अम्मी जान को घर से बाहर निकाला था, आपकी जुबान पर तो उसका नाम भी नहीं आना चाहिए, और यहाँ तो आशिकी फरमाई जा रही है। लेकिन अबू उसमें तबस्सुम का क्या कसूर है? उसे किस बात की सजा मिल रही है? सजा तो उसे मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी, बहुत इश्क है ना उन्हें आपसे। याद रखना वो मेरे इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। शादाब आप हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? यहाँ अबू हमारे सर पे कहर बरसा रहे हैं। तब वो यहाँ भी कोई खास अमन का माहौल नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ तब्बू, अब आप क्या सोच रही हैं? शादाब हम ये सोच रहे थे कि हो सकता है अगर आप यहाँ आ जाते तो, मतलब अगर हम इन सबके सामने रहे ना तो हो सकता है सब ठीक हो जाए। तबू अब ये कैसी बातें कर रही हैं? हम वहाँ कैसे आ सकते हैं? लाहौर में हमारा कारोबार है। अबू को हमारी जरूरत है। हाँ जानते हैं हम शादाब,
हमारा परिवार भी तो यही चाहता है ना कि हम उनके साथ रहें। तबु पहले हमारे घर वालों ने सारे किस्से को लेके एक बखेड़ा खड़ा किया हुआ, और अब आप हमारी मुश्किलें बढ़ा रही। और आप भी तो हमारी बात नहीं समझ रहे। शादा, शायद अबू ठीक ही कहते हैं, शायद आप हमारे लिए वो सब करने को राजी है ही नहीं जो हम आपके लिए कर सकते हैं। हाँ तबू, आपके अबू भी ठीक हैं और हमारे अबू भी। शायद हम दोनों ही गलत हैं, और सोचने की बात तो ये है कि जब दो इंसान गलत हैं, तो उन दोनों के बीच में रिश्ता कैसे हो सकता है। ठीक है, और हम गलत लोगों को और गलत रिश्तों को अपनी जिंदगी में नहीं रखते। अल्लाह हाफिज। मुझे अब्बू की बात मानी लेनी चाहिए। ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया कि हम अपना सारा काम छोड़कर वहां चले जाएं? और वैसे भी शादी के बाद लड़की लड़की घर में आती है ना, शायद ये बात वो भूल गई। अगर वो राजी नहीं है तो हम क्यों राजी हो जाएं अपनों को छोड़ के उनके पास जाने को? हमें नहीं जाना, हमारी भी तो नौकरी है यहाँ पे। तो अपने अब्बू की बात मान ले, जाके असलम के बेटे से शादी कर ले। ये रास्ते बहुत ही टेढ़े मेढ़े और ठोकरों से भरे होते हैं शादा, और अगर आप दोनों में ये ठोकर खाने की हिम्मत नहीं है तो भूल जाइए अपने प्यार को और मान लीजिए अपने अपने अब्बू की बात। प्यार तो दोनों ने किया, लेकिन जब इस प्यार को निभाने की बारी आई तो दोनों नहीं कर पाए, क्योंकि अपनी फैमिलीज, अपनी प्रायोरिटीज, इन सारी चीजों के सामने इनका प्यार थोड़ा कमजोर पड़ गया था। वालेकुम अस्सलाम। असलम मियां, आइए आइए। चाहिए जरा तबस्सुम को लेकर आइए। हाँ जी, अभी लेके आते हैं। भैया हमारी तब्बू भी घर का सारा काम खुद ही संभालती है, अपनी अम्मी को कोई। तब्बू, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, अब इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तब्बू और अम्मी दोनों घर में नहीं है। बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। इस रोग को कुछ सूझे ना, कोई फर्क। हाथ छोड़िए हमारा, हमें तो यहाँ सिर्फ चांद देखने भेजा था। चांद ही देखना था तो छत पे आने की क्या जरूरत थी, आईने में अपना चेहरा देख लिया होता। मदमस्त भी ये आशिकी, कम वक्त भी ये आशिकी, जो ये संग चले, जो ये रंग चले। चुप हो जा बेटा, हिम्मत से काम ले। ये ले, अल्लाह सब ठीक करेगा बेटा, तू हिम्मत रख। भाई जरा जल्दी चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। I'm really sorry शादा, कुछ समय के लिए हम अब्बू की बातों में आ गए थे, पर अब नो कंफ्यूजन, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। जाओ भी आप गए। तब वो माफी तो हम भी आपसे मांगना चाहते हैं, ना जाने गुस्से में हमने आपको क्या कुछ कह दिया। लेकिन तब्बू, एक बात का तो हमें भी यकीन हो गया कि जब हम दोनों के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो ना ही हम और ना ही आप इन दोनों जगहों पे खुश रह पाएंगे।
बात तो आप सही कह रहे हैं। तो बस इतना तो तय रहा कि ना आप यहाँ आएंगे ना हम वहाँ। क्यों ना एक काम किया जाए, क्यों ना हम कोई नई तीसरी जगह जाएं और एक नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करें। इंशाल्लाह। नुसरत और फिरदौस की ब्लेसिंग्स और अपने कुछ अच्छे दोस्तों की मदद के साथ तबू और शादाब ने एक नई जिंदगी शुरू की। दुबई में जाके एक दूसरे के साथ शादी कर ली। दोनों एक दूसरे के साथ खुश जरूर थे, लेकिन अगर गम था तो एक ही बात का कि अपने प्यार के लिए उन्हें अपने परिवार, अपने अम्मी अब्बू को छोड़ के यहां पर आना पड़ा। और देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। एक बात कहें, आज ईद के दिन ना अम्मी अब्बू दादी जहां की बहुत याद आ रही है। सच सच कह रही हो। ईद मुबारक दादी जी, खाना जा। आप ईद मुबारक। अंदर आइए, आइए। शादाब कहाँ है? उसके लिए सरप्राइज है। बस आइए, अंदर तो आइए। अरे भाई कौन आए? अम्मी अब्बू। शादाब, अबू ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा। ईद मुबारक। सलामत रहो बेटे। हम बुजुर्ग सही, जिद्दी सही, इतना तो देख ही सकते हैं कि हमारी बेटी से कोई कितना प्यार करता है। बेटा हमें तो लगा कि तुम गैर मुल्क के हो, हमें और हमारी बेटी को क्या समझोगे। पर बेटा हम गलत थे। तुम दोनों की मोहब्बत के आगे हमारी जिद टूट गई बेटा। हमें माफ कर दो बेटा। अरे नहीं अबू, आप हमें माफ कर दीजिए। आज शादाब और तबू की शादी को अबाउट 2 साल हो गए, और 2 सालों से इन दोनों की फैमिलीज एक दूसरे के घर आती जाती हैं और सब कुछ बहुत खुश है। वेल इनफैक्ट अब तो ईद भी फिरदौस बी की छत पे उसी तरह मनाई जाती है जिस तरह हर बार मनाई जाती है। इस कहानी को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि प्यार कितनी खूबसूरत चीज है। आप चाहे कितनी भी सरहदें बीच में क्यों ना ले आए, प्यार सरहदें नहीं देखता, प्यार सिर्फ दिल देखता। और भाई दिल इधर भी है, दिल उधर भी।